नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपनी क्लास की अगली कड़ी में हम बात करने वाले हैं, वही जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो टॉपिक है ना, ये सारे टॉपिक हम विशेष श्रेणी में रखेंगे, स्पेशल की श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से कवर करेंगे, इसके नोट्स भी आप लोग बनाएंगे और इसको रिविज़न के तौर पर वापस भी इसको पढ़ेंगे आप, ठीक है। पर्यावरण, जैव विविधता, पारिस्थितिकी आवरण, ये सारे पर्यावरण में ही आते हैं, वैसे भी हम इसको आज कवर करेंगे। ये पार्ट फर्स्ट रहेगा, देखते हैं आगे अपन कितने पार्ट में इसको कवर करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं और यहाँ से बनने के पूरे चांसेस भी है। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा यूँ जा रहा है कि भाई विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। देखिए दोस्तों, आपको नोट भी करने हैं और क्या करना है, याद तो करना ही है, साथ ही साथ वैसे आंसर तो देने ही है। अगर आंसर नहीं दे पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन नोट जरूर कर लेना इन चीज़ों को, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। अब देखो, पारिस्थितिकी जो तंत्र है ना, ये हम किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो होता है इकोसिस्टम, ठीक है, और एक होता है इकोलॉजी। इकोलॉजी को हम कहेंगे पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी कहेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा ऐसे ही टेढ़े मेढ़े लिख रहा हूँ तो आप लोग याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, थोड़ा इकोलॉजी कहेंगे। अब इकोलॉजी की बात करें, इकोलॉजी को सबसे पहले किसने नामकरण किया इकोलॉजी का, तो ये आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन भी आ गया दोस्तों। देखिए कि इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो अर्नेस्ट हेकल ने किया था। ए ऑप्शन आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे मैं बात करूं कि इकोलॉजी को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं, अभी हमने बात करी इसके बारे में, ठीक है। तो इसका सबसे पहले उपयोग अर्नेस्ट हेकेल ने किया, बोले सर कब किया, तो 1867 में किया। इन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम था जनरल मॉर्फोलॉजी नाम करके इनकी पुस्तक थी, याद आप इतना ही रखेंगे, पुस्तक का नाम थोड़ा बड़ा ज़रूर है, उसके पीछे ऑर्गनिजमैन वगैरह ऐसा कुछ है, लेकिन आप याद रखेंगे जनरल मॉर्फोलॉजी, ये पुस्तक किसकी है, इकोलॉजी के लिए अर्नेस्ट हेकेल की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग, यहाँ पर तंत्र और ऐड होता है दोस्तों, इसलिए हम इसे कहेंगे इकोसिस्टम, इकोसिस्टम कहेंगे, सिस्टम तंत्र कहेंगे इसको। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा एजी टेंसले, बी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। इसको आप इकोसिस्टम कहो या फिर पारिस्थितिकी तंत्र कहो, ये सबसे पहले टेंसले ने अपनी पुस्तक, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर लेना, टेंसले ने अपनी पुस्तक इकोलॉजी में ये लिखा। अब कन्फ्यूजन वाली बात ये है कि सर इकोलॉजी तो हम पारिस्थितिकी को कहते हैं, यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले प्रयोग किया, तो दोनों में कन्फ्यूजन ज़रूर है, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, देखो यहाँ पर तो ये पुस्तक है इकोलॉजी, किसकी पुस्तक है ये टेंसले की पुस्तक है इकोलॉजी, हालांकि वहाँ पर हमने जो पिछले क्वेश्चन में बात करी वो इकोलॉजी पारिस्थितिकी है, सिर्फ शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से कि पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है। दोस्तों आज के क्वेश्चन लाजवाब होने वाले हैं, आपको नोट करने हैं, प्लीज़ आपसे निवेदन रहेगा नोट जरूर करेंगे इनको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस रहने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमारा वनपाल वनरक्ष का एग्ज़ाम किस रिलेटेड है उसके अकॉर्डिंग हम इसको महत्वता दे रहे हैं। सी, कोई विद्यमान समुदाय व उसका परिवेश, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है, कोई विद्यमान समुदाय या फिर वातावरण कह सकते हो या फिर परिवेश भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप पेड़ पौधे जंतु प्रकाश तापमान वगैरह जल मिट्टी वायु ये आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है कि सर पारिस्थितिकी तंत्र के निम्न दो घटक होते हैं, वो कौन से होते हैं, ये आपको बताना है। देखो उत्तर तो यहाँ पे कौन सा होगा, निम्न दो घटक होते हैं, दो होते हैं, पादप जंतु या फिर जैविक अजैविक, तो जैविक और अजैविक। जैविक में दोस्तों क्या होता है और अजैविक में क्या होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन कर लिया जाए आप लोगों से तो आप क्या करेंगे। जैविक में क्या होता है कि मैं यहाँ पे लिख तो नहीं पाऊँगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, मैं आपको बोल के लिखवा रहा हूँ। ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन का निर्माण जो है ना, स्वयं के भोजन का निर्माण स्वयं ही करते हैं,
और उन्हें हम उपभोक्ता भी कहते हैं, ठीक है। और अजैविक कौन से होते हैं, जो प्राकृति कह सकते हैं, प्राकृति को खैर सब प्राकृतिक ही है, लेकिन आप जो निश्चित रूप से जो परिभाषा लिखें तो अजैविक में आप लिख लेना तापमान है, प्रकाश आता है, जल आता है, वायु आती है, मिट्टी होता है ना, मिट्टी, जल, वायु, ठीक है, ये आप लिख लेना इसमें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि भाई प्रकृति की क्रियाशील इकाई कौन सी है, प्रकृति की क्रियाशील इकाई कौन सी है, तो पारितंत्र हो जाएगा आपका राइट आंसर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रकृति की क्रियाशील जो इकाई है पारितंत्र है, और पारितंत्र को प्रकृति की क्रियाशील इकाई क्यों मानते हैं, ये अपन क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, इनमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा आपका, सागर पारिस्थितिकी तंत्र, घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र, या फिर मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, या फिर वानिकी पारिस्थितिकी तंत्र। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सागरीय, ठीक है। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र होता है, और एक स्थायी भी होता है, ये स्थिर भी होता है, ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन यहाँ से भी बने हुए हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत जो है ना इनमें से कौन सा है, बताइए। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत जो है वो कौन सा है प्यारे दोस्तों, तो सूरज की रोशनी। दोस्तों मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इनको नोट जरूर कर लेना, ये क्वेश्चन आपके जरूर काम आने वाले हैं अगर आप वनपाल वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़े, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर देखो, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है, सूर्य है। वैसे आप सबको पता है ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत, ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत आप लिख लेना, प्रमुख स्रोत जो है मैं इस साइड में लिख रहा हूँ ऐसे ही, सूर्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि भाई निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दृश्य प्रवाह दर्शाता है, इनमें से कौन सा जो है एक दृश्य प्रवाह दर्शाता है, एक दृश्य करके ऐसे काफ़ी क्वेश्चन भी बने हुए हैं, तो यहाँ पे जो है एक दृश्य ऊर्जा दर्शाता है, तो राइट आंसर आप सभी का सी ऑप्शन फिलहाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 10 नंबर आता है, और यूँ पूछा जा रहा है कि भाई एक पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक संख्या में क्या पाए जाते हैं, मांसाहारी, उत्पादक, शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता। देखो एक पारिस्थितिकी तंत्र कहो उसमें सर्वाधिक जो पाए जाते हैं इनमें से उत्पादक पाए जाते हैं, और उत्पादक दोस्तों वो होते हैं ये जीवधारी जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जो है क्या करते हैं, स्वयं को क्या करते हैं, जीवित रखने के मतलब जीवित रखने के लिए क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है। जैसे कि पेड़ पौधे हैं, ठीक है, ये तो आप सबको पता ही है वैसे। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा यूं जा रहा है कि पर्यावरण के जैविक घटक कौन से, पर्यावरण के जैविक घटक जो है वो कौन से, इनमें से नदियां नहीं होगा जैविक घटक का पूछा है आपको, पहाड़ भी नहीं है, मैदान भी नहीं है, पौधे क्यों है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं, ये स्वयं अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, जैविक घटक कहेंगे पर्यावरण का। याद रखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन तो बड़ा ही लाजवाब था, बड़ा ही इजी और बड़ा ही इम्पोर्टेंट भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, झील, खेत, वन, तालाब। देखो कृत्रिम पूछा है आपको, मतलब कि हम कह सकते हैं कि मानव जनित भी कह सकते हैं, कृत्रिम बनाया हुआ, प्राकृतिक जो नहीं है, तो झील तो प्राकृतिक है, वन भी प्राकृतिक है और तालाब भी प्राकृतिक है। कृत्रिम खेत जो है ना दोस्तों ये कृत्रिम किस श्रेणी में पड़ते हैं हम लोग पर्यावरण में, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है, इसीलिए जो है आपके समक्ष रखा है मैंने, क्योंकि ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला भी है। खेत जो है ये कभी प्राकृतिक नहीं बनते, हमें कृषि करनी पड़ती है, कृषि कभी हुआ नहीं करती, स्वयं नहीं होती, हमें करनी पड़ती है ना। एक उत्पादक, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शाने वाली एक उपयुक्त आहार श्रृंखला निम्न में से कौन सी है, एक उत्पादक, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी, इन तीनों में से
जो जो तीन तीन ऑप्शन दे रखे हैं सारे, इन चारों में से तीन तीन के ऑप्शन हैं। और दोस्तों कौन सी जो है आहार श्रृंखला निम्न में से सही है, उपयुक्त है? उत्पादक पहले, तो हमें उत्पादक देखना है। सबसे पहले अगर आप उत्पादक देखते हैं तो दोस्तों सीधी बात है, पौधा जो होता है वो उत्पादक होता है। इसमें उत्पादक पौधा पादप आ रहा है, तो सीधी सी बात है बी ऑप्शन, चाहे अगला कुछ भी हो, गलत भी ऑप्शन दे रखे हैं तो भी हमारा तो राइट आंसर बी ही होगा, ठीक है। और इस वाली श्रेणी की बात करें, आहार श्रृंखला में ऊर्जा का जो परसेंट होता है वो 10% ही स्थानांतरित होता है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ दे रखा है, द्वितीयक उपभोक्ता घास दे रखा है, अपघटक बैक्टीरिया दे रखा है, उत्पादक हिरण दे रखा है। उत्पादक हिरण सही है, द्वितीयक उपभोक्ता घास सही है, प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ सही है, अपघटक बैक्टीरिया। अपघटक बैक्टीरिया, अपघटक दोस्तों बैक्टीरिया नहीं है, अपघटक वे परपोषी जीव होते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर क्या होते हैं, जीवित रहते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थों पर डिपेंड रहते हैं, जीवित रहते हैं। इसे आप मृतोपजीवी, मृत उपजीवी भी कह सकते हैं, जैसे कि कवक होता है और जीवाणु होता है। और वैसे देखा जाए तो इस क्वेश्चन पर बड़ा कन्फ्यूजन भी है, वैसे अगर जीवाणु इसमें आ रहा तो इसमें बैक्टीरिया दे रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, किसी एग्ज़ाम में एलडीसी का एग्ज़ाम है या फिर स्टेनो का एग्ज़ाम है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपके समक्ष रखा। लेकिन इस क्वेश्चन में बड़ा लग भी रहा है थोड़ा सा कन्फ्यूजन, बट अगर हमारी दिक्कत हुई, हमसे टाइपिंग की मिस्टेक है, तो आपके समक्ष जल्दी लेकर आ जाऊंगा इस क्वेश्चन को। अगर हमारी टाइपिंग की मिस्टेक नहीं है और क्वेश्चन ऐसा ही है तो ये हमें यहीं तक पढ़ना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? दोस्तों बताइए, बोले सर शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता है, शाकाहारी क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है, बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि भी जीव मंडल में ऊर्जा का स्रोत जो है वो कौन सा है? जीव मंडल में ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है? तो मैंने आपको बताया, ऊर्जा का जो स्रोत है हमारे यहाँ पे पर्यावरण में, वो सबसे अधिक जो ऊर्जा का स्रोत है वो है सूर्य। और अगर सूर्य नहीं आके सूर्य का प्रकाश आए तो भी आपका ऑप्शन वही होगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ बिल्कुल जाएंगे सभी लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है या सीधा होता है, या उल्टा और सीधा दोनों होते हैं, या फिर इन ऑप्शन में से कोई नहीं है? दोस्तों ऊर्जा का पिरामिड जो है ना, हमने कई बार पढ़ा भी, आपके समक्ष मैंने क्वेश्चन रखा भी है, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, हमेशा खड़ा ही होता है ऊर्जा का पिरामिड। अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा, पूछा जा रहा है आप लोगों से, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है, द्विदिशीय, कोई विशेष दिशा नहीं, बहुदिशीय या एक दिशीय? तो यहाँ पे आपका एक दिशीय हो जाएगा, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होने वाला है, या फिर सही होने वाला आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों इनमें से मैंने 50% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए हैं, और 50% जो क्वेश्चन है वो मैंने बनाए हैं, ठीक है। कौन सा कथन सत्य है? तो समुद्र में जैव मात्रा के पिरामिड प्राय सीधे होते हैं, घास के मैदान का पिरामिड प्राय उल्टा होता है, ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होते हैं, ऊर्जा पिरामिड सदैव उल्टे होते हैं। अभी हमने पढ़ा ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होते हैं या फिर सीधे होते हैं, तो कथन सत्य ही तो पूछा है आपसे, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा, आगे बढ़िएगा, है ना। इतना समय कहाँ है आपके पास? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऊर्जा के प्रत्येक हस्तांतरण पर एक स्तर से दूसरे स्तर तक लगातार ऊर्जा वृद्धि होती है, कमी होती है, या समान रहती है, या फिर उतार चढ़ाव रहता है? अब बताइए, यहाँ पर दोस्तों ऊर्जा के प्रत्येक हस्तांतरण पर एक स्तर से दूसरे स्तर तक लगातार जो है ऊर्जा क्या रहती है, कमी होती है, ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव आवर्धन का अर्थ किस में निहित है? दोस्तों यहाँ पर अब लास्ट के जो 10 क्वेश्चन है वो बड़े ही लाजवाब है, इम्पोर्टेंट है,
आपके लिए भी हिचकियाँ आने वाली है जहाँ तक मुझे लगता है। तो यहाँ पर जो है जैव आवर्धन का जो है अर्थ किस में निहित है, तो विषाक्त, मतलब कि इसका अर्थ क्या है, सीधी सी बात ये है विषाक्त पदार्थ आवर्धित होते हैं ठीक है। तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। और ये अगर बात करें जैव आवर्धन जो है ना दोस्तों, ये पारिस्थितिकी तंत्र में बनाई जाती है, लेकिन एक मानव निर्मित प्रक्रिया ही मानी जाती है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में अविषाक्त की सांद्रता में वृद्धि कहलाती है, जैव संचयन कहलाती है, जैव संश्लेषण कहलाती है, या फिर जैव उत्पादकता कहलाती है, या फिर जैव आवर्धन कहलाती है। तो यहाँ पर आपका जैव आवर्धन कहलाएगा, पोषक स्तरों में अविषाक्त की सांद्रता में वृद्धि कहलाती है। ये तो अभी हमने पढ़ा विषाक्त पदार्थ आवर्धित होते हैं जैव आवर्धन में, ठीक है वही बात। और ये क्वेश्चन दोस्तों बड़ा आपके लिए कन्फ्यूजन वाला नहीं कह सकते, लेकिन हार्ड ज़रूर होगा ठीक है। ACF और FRO में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा डीपली या फिर जहन में ज़रूर रखना। ऐसा नहीं कि सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, आ सकते हैं भैया। ताल पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता निर्भर करती है सूक्ष्म जीवों और मछलियों पर, सूक्ष्म जीवों व प्राणी पलकों पर, मछलियों व सरीसृपों पर, उत्पादकों व उपभोक्ताओं पर। चलिए सीधी बात करते हैं उत्पादकों व उपभोक्ताओं पर, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ताल पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता निर्भर करती है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यूं पूछा जा रहा है, देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं, पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो वो होते हैं दोस्तों, अभी हमने बात करी कि प्राथमिक कहो या फिर उत्पादक कहो, है ना, तो वो कौन होते हैं, वो पादप होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आप सभी का बी ऑप्शन हो जाएगा, पादप हो जाएगा। ये क्वेश्चन सेम, अलग फॉर्मेट है लेकिन सेम उसी प्रकार से पूछा गया। नंबर 25 क्वेश्चन है, परभक्षण की निम्नोक्त परिस्थितियों में से किसमें शिकार के ऊपर परभक्षी का अधिक नियंत्रण होगा। ये दोस्तों एमपी के, मेरे ख्याल से एमपी के वनरक्षक एग्ज़ाम में पूछा गया, या फिर छत्तीसगढ़ के सीजी के वनरक्षक एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं जरूर पूछा गया है, मुझे याद है जहाँ तक मैंने पढ़ा। तो सिंह वे हिरण हो जाएगा आपका राइट आंसर, और बिल्कुल आसान है। किसमें शिकार के ऊपर परभक्षी का अधिक नियंत्रण होगा, उल्लू और चूहा, छिपकली व कीट, हाँ यहाँ पर भी हो सकता है आपका ए ऑप्शन, लेकिन सिंह व हिरण हमें सही उपयुक्त लग रहा है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। और अगला क्वेश्चन ये लीजिए, पूछा जा रहा है कि भाई सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र जो है ना वो कौन सा है, वन, रेगिस्तान, घास के मैदान, समुद्र। अभी हमने बात करी सागरीय जो है या फिर समुद्र जो है, ये स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है और ये सबसे विशाल पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है, तो इसको हम कह सकते हैं क्लस्टर कह सकते हैं, मतलब एक तरह का समूह है इसमें, हम बहुत प्रकार की हम पढ़ सकते हैं विज्ञान को ठीक है, इसके जलीय जीवों के बारे में, इसमें जो भी जंतु है, इसमें पेड़ पौधे होते हैं समुद्र में, तो बहुत सारी विज्ञान इसके अंतर्गत निहित होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि भी बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है, बायोमास का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, तो ये भी समुद्री ही होगा। तो दोस्तों समुद्री से संबंधित तीन क्वेश्चन आए, और जहाँ तक मुझे लगता है ये तीनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट्स बना के जरूर रखिएगा और एंड टाइम है इसका रिवीजन। आज देखिए मेरी वॉइस जो है आपको गुंजायमान लग रही होगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है वैसे, लेकिन आप आज का एडजस्टमेंट करेंगे अभी तक का ठीक है, और फिर शायद आज शाम तक ऐसा नहीं होगा। देखिए, एक मोर सांप खाता है जो पादपों पर पनप रहे कीटों का भक्षण करता है, एक मोर सांप खाता है जो पादपों पर पनप रहे कीटों का भक्षण करता है, तो मोर क्या है। देखो मोर किसको खाता है, सांप को, और सांप क्या करता है, पादपों पर जो कीट है उसका भक्षण करता है, फिर है जो मोर क्या हो गया,
तो मोर खादर स्तूप का शीर्ष हो गया। ये क्वेश्चन एफ आर ओ में पूछा गया है दोस्तों। राइट आंसर आप सभी का ए ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन ये लीजिए, निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा एक जीव जो है वो संघटक नहीं है। देखो नहीं है, ये पढ़ना जरूरी है आपको। क्वेश्चन को एक नहीं दो बार पढ़ लीजिएगा अगर सही से समझ नहीं आए तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो वायु हो जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा एक जीवीय संघटक नहीं है। वनस्पति जीवीय है, जीवाणु है, जानवर है, लेकिन वायु में कोई जीव नहीं होता। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये आपका, नंबर 30 क्वेश्चन, मतलब 30 क्वेश्चन, नंबर 30वां जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भाई किसी वन के शीर्ष ऊर्ध्वाकार संस्तर या फिर परत, इसको आप प्रतिकरण भी कह सकते हैं, स्तर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो परत में होते हैं, संस्तर या फिर परत में होते हैं, किसी वन के शीर्ष ऊर्ध्वाकार संस्तर या परत में होते हैं। शीर्ष मतलब कि सबसे सर्वोपरि, है ना। तो वो तो जंगल में क्या होगा, वृक्ष होगा, और तो क्या होगा। देखो झाड़ियाँ तो होगी नहीं, झाड़ियाँ नीचे रहेगी, बूटियाँ भी नहीं होगी, बूटे जो होते हैं ना, बूटे वो भी छोटे होते हैं, घास भी छोटी होगी, लेकिन ये जो वृक्ष है ना, ये सबसे सर्वोपरि या फिर शीर्ष ऊर्ध्वाकार में रहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा देखो, वृक्ष को किस श्रेणी में रखा गया है, शीर्ष या फिर सर्वोपरि में रखा गया, ठीक है। झाड़ियों को परत विन्यास या फिर परत विन्यास कह लो इसको, या फिर आप इसको कह सकते हैं द्वितीय स्तर कह सकते हैं, ठीक है। और क्या आता है यहाँ पे, घास आ जाता है, और घास को आप क्या कहेंगे, सॉरी घास या जो होती ना बूटियाँ वगैरह, जड़ी बूटियाँ, घास जड़ी बूटियाँ, तो इसको हम क्या कहेंगे, धरातलीय स्तर। तो आप इन चीज़ों को धरातलीय स्तर, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आप ज़रूर लिख लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि संपूर्ण सौर ऊर्जा जो उत्पादकों के मध्य से सजीव तंत्र में प्रवेश करती है, अंततः वायुमंडल में पुनः चली जाती है, वो कार्बनिक पदार्थों के रूप में जाती है या फिर ऊष्मा के रूप में या प्रकाश के रूप में या स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ये ऊष्मा के रूप में जाती है, ऊष्मा, ठीक है। संपूर्ण सौर ऊर्जा जो उत्पादकों के मध्य से सजीव तंत्र में प्रवेश करती है, ऊष्मा के रूप में जाती है। ओके दोस्तों, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको देना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, ये नहीं, ये वाला देता हूँ, ठीक है। इसका जवाब आपको देना है पा रहा है कि कमेंट सेक्शन में, बहुत आसान सा क्वेश्चन है वैसे। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में किस क्षेत्र में प्रकाश मंद होता है, यूफोटिक में या एफोटिक में या इंटरटाइल्ड टाइडल में या फिर नेरिटिक में। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको देना है। वैसे दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है अपनी वेबसाइट पर, आपको कल ही मिली है, कल आपके लिए भूगोल की पीडीएफ मैंने डाल दी है, भारत के भूगोल की पीडीएफ, राजस्थान का कंप्लीट जो है जीके मैंने कवर करवा रखा है पहले से, कहाँ पर, पीडीएफ के फॉर्मेट में, वो भी अपनी इसी वेबसाइट पर अवेलेबल है। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और यहाँ से भी आप लोग जा सकते हैं, और आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर जो है इन पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप नोट करते हैं तो और ही बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये पीडीएफ भी आपको मिलेगी, अब ये पीडीएफ आपको मिलेगी चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो चलिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, ये पीडीएफ आपको इसी राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर मिलेगी, इससे पहले वाली पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।